सकल जनपदा व्यापने विश्वदुर्गा श्यामांगी शुक्लपाशाब्दिजगणगणिता ब्रह्मदेहार्दवासा ज्ञानानां सादयन्तीतिमिरविरहिता ज्ञानदेव्या प्रबोदा सा देवी दिव्यमूर्ति प्रदहत दुरितं मुंडचंड प्रचंडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित आप सभी ज्योतिष के अध्येताओं का व ज्योतिष के विषयानुरागी सभी विद्वज्जनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में सर्वप्रथम नक्षत्र राशियों की क्या भूमिका है और क्या महत्व है, आज हम इसी विषय से संबंधित नक्षत्रों और तारों के विषय में सूक्ष्म चर्चा करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का विशेष महत्व है। हमारे मनुष्यों के जन्म से लेकर के गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत जो षोडश संस्कार हैं, उनमें भी नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। तदनुरूप मुहूर्त शास्त्र में देखें तो नक्षत्रों के बिना साध्य नहीं है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उस जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है, तथा वह नक्षत्र पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जिस राशि के अंतर्गत आता है वही राशि उस जातक की जन्म राशि कहलाती है। नक्षत्र का भी एक स्वामी ग्रह मान लिया गया है, इसलिए जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा या महादशा में उस व्यक्ति का जन्म हुआ यह कहा जाता है। फिर अन्य ग्रहों के क्रमानुसार उस व्यक्ति के जीवन में उन ग्रहों की दशाएं आती है। लघु पाराशरी में भी पाराशर जी ने नक्षत्र दशा को महत्व दिया है। भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों का विशेष महत्व है और विशद इस पे लोग अध्ययन कर रहे हैं। बड़े बड़े शोध संस्थानों में नित्य प्रतिदिन इस पे शोध हो रहे हैं। यह भी माना गया है कि नक्षत्र जातक की कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल के साथ साथ नाना प्रकार की व्याधियों का भी कारकत्व करता है। उदाहरणतः जन्मांग में हम देखते हैं कि विविध जो ग्रह योग है वो किसी भाव में किसी राशि विशेष में योग बनता है, लेकिन उसका पूर्ण फल किस राशि के किस नक्षत्र में और नक्षत्र के किस चरण में है उस योग की तब पूर्ण पुष्टि होती है। नक्षत्रों पर विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व हम यह समझ लेते हैं कि नक्षत्र क्या है, और जब हम यह समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं नक्षत्रों से पूर्व हमको ताराओं के बारे में भी जानना पड़ेगा कि ताराओं और नक्षत्रों का क्या संबंध है
और जब नक्षत्र तारा से ताराओं से हम नक्षत्र जानेंगे और नक्षत्रों से राशि के क्रम को जानेंगे तो तब हम कुछ समझ सकते हैं कि वास्तव में नक्षत्रों का और राशियों का संबंध परस्पर क्या है। नक्षत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में नक्षरति नसरति इति नक्षत्र, अर्थात जो न हिले न चले वो नक्षत्र है। अंग्रेजी भाषा में इसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। और नक्षत्र किसको कहते हैं, तो नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं। खगोलीय दृष्टि से हम जानते हैं कि तारा क्या है और नक्षत्र क्या है। पाश्चात्य विश्वकोशों में कहा गया है कि जैसे चीनी, अरब, बेबीलोनिया और मिस्र आदि के जो निवासी लोग थे, उन्होंने आकाश में नजर आने वाले जो तारों के समूह को देखा और उनकी विशेष जो आकृति उन्होंने देखी, तो उसको उन्होंने कुछ विशेष नाम दिए। शायद वेदों और उपनिषदों का उनको बोध न हो उतना, क्योंकि हमारे वेदों और उपनिषदों में इसका पहले से ही विशद वर्णन है। यहीं पर नक्षत्र एवं तारों का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र सूर्य चंद्र भवन की तरह कोई स्वतंत्र अकेली इकाई नहीं है। दर्शन ताराओं के समूह का ही विशिष्ट या अपर नाम नक्षत्र है। अब ये नक्षत्र और तारा क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, तो आकाश मंडल में नक्षत्र की रचना तारे करते हैं। ये तारे क्या है, तो आइए हम जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रायः, गगनमंडले यानि तेजो मयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सारवाणी को समस्या ज्योति शब्देन उच्यन्ते। रात्रि के समय आकाश मंडल में टिमटिमाते जो ज्योति स्वरूप बिंब प्रतिबिंब दिखाई देते हैं उसको हम तारा, वह उसको हम तारा रूप से ग्रहण करते हैं कि वो तारा है। दूसरे शब्दों में जिनका प्रकाश नजर नहीं आता पर वो मौजूद रहते हैं उसको भी तारा कहते हैं। आज जैसे जैसे अंतरिक्ष विज्ञान उन्नति कर रहा है, जैसे जैसे खगोल शास्त्र निरंतर शोध में लगा हुआ है, हमारे सामने नए नए तारे, नए नए ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल इत्यादि की उपस्थिति स्पष्ट होती जा रही है। ताराओं की रचना की प्रक्रिया कैसे होती है, तो खगोलीय दृष्टि से कुछ खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि तारा वस्तुतः अंतरिक्ष में धूल के विशाल बादलों और उद्जन गैस यानी हाइड्रोजन गैस से इसका निर्माण होता है। इनमें जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो उनको परस्पर पास लाती है, और जिस प्रक्रिया को प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह लघुकाय होने लगता है, जैसे जैसे यह प्रोटोस्टार सिकुड़ने लगता है उसके केंद्र का तापमान बढ़ने लगता है, और जब यह तापमान 18 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो वह तारा अपनी मध्यस्था की ओर अपेक्षाकृत धीमी और स्थिर गति से अग्रसर होने लगती है। अब प्रश्न यह है कि क्या इन ताराओं में ऊर्जा होती है, तो हाँ तारों में ऊर्जा होती है। तारे की मध्यावस्था में उद्जन यानी हाइड्रोजन गैस के अणु निरंतर परस्पर निकट आकर के एक नए गैस का निर्माण करते हैं जिसका नाम है हीलियम गैस। और जब हर बार उद्जन गैस के अणु से हीलियम गैस के कोई अणु बनता है तो प्रकाश एवं ताप के रूप में उसकी जो ऊर्जा का प्रभाव होता है
किसी भी तारे द्वारा निस्सृत की जाने वाली अपार ऊर्जा के लिए करोड़ों टन उद्जन गैस में वह परिवर्तित हो जाती है। अब ताराओं के जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं वो कैसे, अधिकांशतः ताराओं की ऊर्जा अंतरिक्ष में समाहित हो जाती है, लेकिन जो थोड़ी ऊर्जा शेष रहती है उससे तारा निरंतर गर्म होने लगता है, और जब तारे का जो तापमान मध्यावस्था में होता है यानी 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो तब वह तारा फैलने लगता है, और हीलियम के अणुओं की भारी मात्रा में उसकी संरचना के लिए परस्पर मिलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को सम्मिलन क्रिया कहा जाता है, और वह सम्मिलन जब तीव्र गति से होता है तो तब एक नई घटना प्रस्तुत होती है। क्या होता है? ताराओं में विस्फोट होता है, और अंतरिक्ष में जब उस विस्फोट के बाद वह तत्व अंतरिक्ष में विलीन होने लगता है। यह सब जो है खगोलीय घटना के अंतर्गत आता है, एस्ट्रोनॉमिकल। तारों का आकार कैसा होता है? आपने देखा होगा कि रात्रि के समय टिमटिम करते झिलमिलाते इन तारों में, कुछ तारे तो इतने विशाल काय होते हैं कि हमारे सूर्य और पृथ्वी भी इसमें समा जाए, बहुत बड़े। कुछ अपेक्षाकृत बहुत छोटे भी होते हैं, तो ये तो इनका स्वरूप है। अब बात करते हैं इन तारों का वर्गीकरण। धरती से दिखाई देने वाले तारों के प्रकाश के आधार पर यदि हम उनका वर्गीकरण करते हैं तो तारों की चमक को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इस मैग्नीट्यूड से किसी भी तारे की असली चमक का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तारों के इन प्रकाशों के आधार पर ही उन्हें तरह तरह के नाम दिए गए, अर्थात प्रकाश के अनुरूप उनका नामकरण हुआ है। अब बात करते हैं हम कि तारों और नक्षत्रों का क्या संबंध है। तारे ही नक्षत्र का आधार है। मनुष्य हजारों वर्ष से इन तारों को देखते आया। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने आकाश में सतत चमकने वाले इन तारों के समूह में कुछ आकृतियां आरोपित कर दी। कालांतर में वो नक्षत्र खगोलीय भाषा में जिसको कॉन्स्टेलेशन कहने लगे उस रूप में परिवर्तित हो गया। प्राचीन काल में इन नक्षत्रों की सहायता से पाश्चात्य मिस्र आदि देशों में जो नाविक होते थे वो अपनी दिशा का निर्धारण करते थे, इसलिए अरब में इन्हें मनाजिल नाम से भी जाना जाता है। नक्षत्रों के नामकरण व उसका आधार खगोलीय दृष्टि से माना जाता है कि प्राचीन जो यूनानियों ने लगभग 49 कॉन्स्टेलेशन यानी तारों का उनको ज्ञान था, तथा उनका उन्होंने नामकरण भी दिया, और वो जो नाम दिया उन्होंने अपने देवी देवताओं के नाम के आधार पर दिया। तदनंतर रोमन खगोल शास्त्रों ने उन्हें जो नाम दिए उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम खगोलीय भाषा में जो है जैसे उर्सा मेजर या ग्रेट वियर है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो ये नाम है उनको सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि तारा मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसके 7 मुख्य तारे एक हल्के फल की तरह जो रचना करते हैं, और इस सप्तर्षि मंडल का जो स्वरूप है इसको प्लावी कहा जाता है। इस प्लाव के 2 तारे फाइटर कहलाते हैं क्योंकि वे हमेशा उत्तरी ध्रुव के पास नजर आते हैं। आज के खगोलविदों ने 88 कॉन्स्टेलेशन यानी 88 तारों की पहचान की है। इनमें से 23 तो दक्षिण यानी 23 तारे दक्षिण गोलार्ध की ध्रुव में है। अब ये ताराओं का स्वरूप, ताराओं की संख्या, ताराओं का नामकरण, इनका नक्षत्रों से संबंध आपने समझा। अब हम थोड़ा सूक्ष्म चर्चा करते हैं कि क्या इनका पृथ्वी से कैसा संबंध है। देखिए, यद्यपि हमारी पृथ्वी जिस मार्ग पर
सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्रांतिवृत्त यानी ताराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता हुआ सूर्य जैसे आभासित मार्ग पर भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है, उसको केवी कहते हैं। सूर्य सिद्धांत में ज्योतिषीय दृष्टि से इसकी परिभाषा है, पश्चात ब्रजंतु अतिजवान नक्षत्री सततम ग्रह इत्यादि। और जो यह मार्ग है परिक्रमा का, यह एक अंडाकार है, इसको भचक्र भी कहते हैं। और इस क्रांति वृत्त की पृष्ठभूमि में असंख्य तारे नजर आते हैं। कालांतर में इन ताराओं की जो संख्या निर्धारित ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हुई, यानी जो 27 आकृतियों में इन्हें विभाजित किया गया है, यही आकृतियां बाद में नक्षत्र कहलाई। और नक्षत्र जैसे कि आप सभी जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत को भी ले लें तो 28 हुए। नक्षत्र और राशियों का क्या संबंध है? नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं, यानी इन 27 नक्षत्रों को जब हम 12 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। क्रांति वृत्त के 360 अंशों को जब 12 राशियों में हम विभाजित करते हैं तो राशि में कुल 30 अंश आते हैं। इस प्रकार से राशियों का विभाजन, नक्षत्रों का जो विभाजन है राशियों के आधार पर, इस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा एक परिचय था नक्षत्र और ताराओं का। आगे हम चर्चा करेंगे कि नक्षत्रों की संज्ञाएं क्या है और उन नक्षत्र संज्ञाओं का फल क्या है, नक्षत्र और राशियों का क्या विशेष संबंध है और उसका फल प्रभाव क्या है, उसको हम अगले वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।